Hey guys, welcome again. Today I am going to talk about the web series The Whistleblower Season 1. आज हम इसके एपिसोड फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये वेब सीरीज मेरी टॉप वेब सीरीज में से एक होने वाली है, क्योंकि ये एमपी के भोपाल के अंदर के एजुकेशन सेटलमेंट को दिखाती है। एंड प्रॉमिस गाइस, ये वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम संकेत भदौरिया होता है, जो कि थोड़ा घायल होता है और एक हॉस्पिटल में एक बेड पर पड़ा होता है। और तभी एक न्यूज आती है कि डॉक्टर अश्विन भदौरिया, जो कि रिलायबल मेडिकल कॉलेज के ओनर और एक जाने माने डॉक्टर होते हैं, उन्होंने आग लगाकर खुद को सुसाइड कर लिया होता है। डॉक्टर भदौरिया भोपाल के एक जाने माने डॉक्टर होते हैं और जो हॉस्पिटल में था वो उनका बेटा संकेत होता है। और पूरी मीडिया इस न्यूज के पीछे पड़ जाती है और पुलिस वालों से क्वेश्चन पूछ रही होती है। और संकेत अपनी पाइप्स को निकालकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी डैड ने सुसाइड किया होता है। गाइज, ये सुसाइड था या कुछ और, ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। और संकेत एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके डैड पड़े हुए थे और मीडिया वाले उन पुलिस वालों से सवाल पूछ रहे होते हैं, जहां पर डीएसपी रुपेश बताते हैं कि अश्विन जी ने आत्महत्या की क्योंकि उनके पास एक केरोसिन का डिब्बा मिला है। इस बात से संकेत को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर उस डीएसपी को दो चार रैपट लगा देता है और काफी सारी गालियां भी देने लगता है। और पुलिस वाले उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ में ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है संकेत और उसकी गर्लफ्रेंड प्रज्ञा को, जो कि अब पार्टी करने जा रहे होते हैं। और संकेत अपने मेडिकल लाइसेंस का फायदा उठाकर एक दुकान से कुछ दवाइयां लेता है जो कि खुद उसने लिख रखा होता है, और वो उन दवाइयों को अलग अलग दुकान से लेकर निकलने वाला होता है। और तभी प्रज्ञा की सिस्टर का कॉल आ जाता है जिसका नाम प्राची होता है, वो भी संकेत की पार्टी में आना चाहती है। पर संकेत कहता है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजर तो मैं हूँ, पर बाउंसर तुम्हारी दीदी है, लो अपनी दीदी से कॉल करो। और आखिर में प्राची उस कॉल को कट कर देती है और प्राची वहाँ से निकल जाती है। और फिर संकेत और प्रज्ञा एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये लोग हमेशा पार्टी करते रहते हैं। वहाँ पे उनके कुछ और भी फ्रेंड्स होते हैं और ये लोग वहाँ पर खूब मजे करते हैं। और संकेत का फ्रेंड उस लाई हुई दवा से एक तगड़ी ड्रग तैयार करता है जो कि बहुत ही हार्ड होती है, और उस पार्टी में वो लोग उसे यूज करते हैं। उनका एक फ्रेंड जिसका नेम दिनेश होता है, वो हैवी ड्रग डोज की वजह से बेहोश हो जाता है। और फिर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ड्रग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन संकेत एक डॉक्टर होता है, वो उसे एक इंजेक्शन देकर ठीक कर देता है। और गाइस, यकीन मानो यहाँ पर सबकी लग चुकी होती है और गुस्सा संकेत की गर्लफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही आ रहा होता है। वो कहती है कि प्राची को घर ड्रॉप कर देना और वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो देखती है कि कुछ लोग एक बंदे को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, पर प्रज्ञा बिना कुछ रिएक्ट किए वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ प्राची भी संकेत के साथ ड्रग ले रही होती है और यहाँ पे ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। संकेत कहता है कि अगर ये सब तुम्हारी बहन को पता चल गया तो, वो कहती है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा। और यहाँ पर प्राची को संकेत की हेल्प चाहिए होती है क्योंकि वो कई साल से एक ही क्लास में होती है और उसे इस बार चीटिंग करके पास होना होता है। और वो कॉलेज संकेत का ही होता है जो कि उसके पापा अश्विन भदौरिया रन करते हैं। और दूसरी तरफ वो गाड़ी जो कि एक बंदे को किडनैप करके ले जा रही होती है, वो एक जगह रुकती है और वो लोग एक बंदे को पकड़ कर लाए होते हैं जिसका काम कुछ रुपए गिनने वाली मशीन को ठीक करने का होता है। वो ऐसा कर देता है, वो सारी मशीन को ठीक कर देता है और रुपए को भी गिन देता है। गाइस, ये सब पैसे किसके हैं और कहां से आए हैं, ये आगे हमें पता चलेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रज्ञा को, जिसके बिस्तर पर संकेत भी आकर सो गया होता है और वो उसे देखकर चौंक जाती है। वो पूछती है कि प्राची कहां पर है, कल उसने रात को कुछ ट्राई तो नहीं किया ना। और संकेत रोमांटिक होकर कहता है कि हम कब कुछ नया ट्राई करेंगे। और वो सब उठकर ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं और वहां पर प्राची का मुंह बिगड़ा बिगड़ा सा होता है। प्रज्ञा बताती है कि दो बार पीएमटी में फेल हो गई है पर अब भी तेरा पढ़ाई का मन नहीं करता। पर प्राची कहती है कि तुम रहने दो, इस बार हम और संकेत हैंडल कर लेंगे। पर संकेत कहता है कि तुम्हारे घर में पहले से एक चैंपियन है, मेरी क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। और अगले सीन में हम देखते हैं संकेत और प्रज्ञा को, जहाँ पे संकेत अपने पापा से कुछ पैसे लेने गया होता है जो कि पूरे 5 लाख होते हैं। वो अपने पापा को बताता है कि ये पैसे उससे कुछ बिजनेस करने के लिए चाहिए। यहाँ पर संकेत के पापा काफी ज्यादा पैसे वाले होते हैं और वो चाहते हैं कि संकेत भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इसलिए वो पैसे उसे बिना कुछ पूछे दे देते हैं और वो दोनों पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर प्रज्ञा को भी नहीं पता कि ये पैसे उसने पापा से क्यों लिए हैं। और संकेत वहाँ से पैसों के साथ में चला जाता है प्राची के पास में। गाइस, इन पैसों से वो प्राची को पास करवाने वाला होता है।
वो इस बार जाते हैं एक कोचिंग में, जहां पर वो उस कोचिंग के हेड से पैसे देकर बात करते हैं। वो उनसे पैसे देकर पास होने की डिमांड करते हैं, मगर पहले तो वो चौंक जाता है, लेकिन फिर बाद में वो बताता है कि हाँ ये यहाँ पर हो सकता था, पर तुम लोग अब लेट हो, ये डेट अब ओवर हो चुकी है क्योंकि पेपर होने में केवल 2 ही दिन बचे हैं। और वो दोनों वहाँ से खाली हाथ वापस चले जाते हैं, मगर रास्ते में उन्हें एक बंदा मिलता है। वो उन्हें बताता है कि जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर केवल एक ही बंदा कर सकता है, और वो संकेत के मोबाइल में उसका नंबर डायल कर देता है। वो बताता है कि उसका नाम अजहर है, यहाँ की पेपर की मैच फिक्सिंग वही करवाता है। संकेत उससे पूछता है कि कहाँ पे काम करता है ये अजहर। वो बताता है कि रिलायबल मेडिकल कॉलेज का नाम तो सुना ही होगा, वहीं पे ये काम करता है और साइड में इसका अपना साइड बिजनेस भी है, मगर रिलायबल मेडिकल कॉलेज तो संकेत का ही होता है और उसे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। और वो प्राची को घर भेज देता है और वो खुद अपने मेडिकल कॉलेज चला जाता है, जहाँ पे वो अपने कॉलेज वर्कर की एम्प्लॉय के डाटाबेस में देखता है और उसका नाम और फोटो उसे दिख जाता है। वो एक आंटी से उसके बारे में और डिटेल लेकर वहाँ से चला जाता है, और तभी संकेत को अजहर का कॉल भी आता है। वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है और फाइनली वो उससे मिलता है, पर अजहर ये जानने के बाद में कि उसका मालिक ही जिसे उसकी हेल्प चाहिए, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए संकेत की हेल्प नहीं करता। पर संकेत बताता है कि देख यार चूतिया नहीं काट रहा हूँ तेरा, मुझे सच में तेरी हेल्प चाहिए, और फाइनली वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो बताता है कि ये बात आप अपने पप्पा को मत बताना, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी किडनैप हुए आदमी को, जो कहता है कि सारा काम हो गया साहब, ये मशीन बराबर काम कर रही है, और वो लोग उसे छोड़ देते हैं। और अगले सीन में अजहर संकेत को लेकर एक इंस्टीट्यूट में जाता है, जहां पर लोगों से पैसे लेकर पुलिस टीचर और डॉक्टर का एग्जाम पास करवाया जाता है। और इंस्टीट्यूट का बंदा जयराज को कॉल करता है, यहां पर जयराज का रोल रवि किशन जी ने प्ले किया है। जयराज जो कि अब एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो एक बहुत बड़ा नेता भी होता है, और अब वो अपने गाँव वापस आया है। वो बोलता है कि वो इस गांव के सभी लड़कों को पुलिस और डॉक्टर बनाएगा। और अगले सीन में जयराज अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, और तभी वहां पर एक आदमी अपने बेटे के साथ में 25 बीघा जमीन के कागजात भी साथ में लेकर आया होता है। वो बोलता है कि उसके पास बस यही जमीन है। तो जयराज बोलता है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनने वाला है, तुम इसकी शादी में दहेज में 10 गुना ज्यादा पैसे ले सकते हो। वो पूछता है ये डॉक्टर बनेगा इसकी क्या गारंटी है। जयराज कहता है कि ये डॉक्टर जरूर बनेगा, सबके सामने जुबान दे रहा हूँ मैं, और अगर नहीं बना तो पैसे वापस ले जाना। और संकेत जयराज से मिलने चला जाता है। वो देखता है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम में चीट करने के लिए कैसे ट्रेंड किया जाता है, ये सब एक प्रोफेशनल तरीकों से किया जा रहा होता है। जयराज संकेत से बोलता है कि वो एक स्टूडेंट को पास करवाने के 15 से 20 लाख रुपए लेता है। वो बोलता है कि इतने पैसे तो मेरे दद्दा और बब्बा ने कभी सर्जरी कर नहीं कमाया। जयराज उसे बताता है कि वो एग्जाम को पास करने के लिए पुराने टॉपर स्टूडेंट्स को भेजता है जो पैसे देता है, उसे एग्जाम हॉल में बैठने की भी जरूरत नहीं है, सारे लोग मिले जुले हुए होते हैं, और एडमिट कार्ड में फोटो को बदल दिया जाता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगता है। और पेपर के दिन प्राची जल्दी से तैयार होकर घर से निकल जाती है और एक होटल में जाकर कॉफी ऑर्डर करती है, और वहाँ पर उसकी एग्जाम के और भी कैंडिडेट्स वहाँ पर बैठे होते हैं। और एग्जाम हॉल में इस बार संकेत जाकर पेपर देने वाला होता है, और वहाँ पर संकेत के कुछ और भी टॉपर फ्रेंड्स मिलते हैं। और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ में खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, कभी भी कर लेना। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।